हेलो नमस्कार दोस्तों, ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत। दोस्तों, हमें कब से एक चिंता सताई जा रही है कि ट्वेल्थ की बुक्स आखिर कब आएगी। पहले तो बोला गया था कि जनवरी में आएगी, फिर फरवरी में आएगी, फिर 15 मार्च को आएगी। इसमें हमें ठीक से पता नहीं चल रहा है कि बुक्स की एग्जैक्ट आने की डेट क्या है। और मैं आपको बता दूँ कि बुक्स आने की जो डेट है ये अभी फिक्स नहीं है। आपको कोई भी अगर कुछ भी डेट बताता है तो उस पर आप भरोसा मत करो। टेंटेटिव आपको बता सकते हैं कि कब आएगा। देखो, जो था पहला डेट वो 15 मार्च था, 15th of March। लेकिन अभी तो आपको मालूम है कोरोना आ गया है। कोरोना की वजह से बहुत सारे ऑफिसेस बंद है, प्रेस भी बंद है, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। तो इस कोरोना का आपकी बुक्स पे असर होगा तो जरूर होगा। आपकी बुक्स कोरोना लगभग 15 से 20 दिन लेट कर देने वाला है। तो पहले उम्मीद थी हमें कि बुक जो है वो 30th मार्च तक आ जाएगी, मतलब मार्च एंडिंग तक आ जाएगी। लेकिन अभी कोरोना के चलते वापस 20 दिन लेट हो सकती है। तो आपको ये पकड़ के चलना चाहिए कि आपकी बुक्स, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स, ये अप्रैल 25 या 20 अप्रैल तक आ सकती है। 20 से 25 अप्रैल तक का स्लॉट आप पकड़ के चलो। ये सारी टेंटेटिव डेट्स है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मई तक आ जाए, ठीक है, इसके बारे में ठीक से हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन मान के चलो अभी आज से कम 1 महीना आपकी बुक्स नहीं आती है, आपको पुराने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मुझे आपको बात बताना बहुत जरूरी लगा कि आपको बुक्स के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। तो अप्रैल एंड तक आपकी बुक्स आ सकती है या फिर 1 मई भी आ सकता है। तो आपकी बुक्स के बारे में अपडेट है, लेकिन मई अप्रैल इस 2 महीने में आ जानी चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो, लेकिन हमारा बोर्ड जो है एग्ज़ाम तो पोस्टपोन नहीं कर सकता है बुक्स लेट आने की वजह से, ठीक है। तो पढ़ाई हमें जल्दी से स्टार्ट करनी होगी, पुराने सिलेबस से ही स्टार्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में कुछ एकेडमिक्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।